हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज में दोस्तों हम लोग सीखेंगे मॉर्निंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार डोजी, ये दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे दोस्तों। इसको दोस्तों हम लोग थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, जो कि ये तीन कैंडल से मिलकर बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को बेसिक चीजें जानकारी होना जरूरी है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है दोस्तों, और ये दोस्तों है फ्लैट मार्केट, साइडवेज मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इसकी वजह से दोस्तों हम लोग चलते हैं सीखते हैं मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ये आपको तीन कैंडल जब बन जाएगा तभी दोस्तों इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीन प्रकार से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम लोग तीनों को समझते हैं, तीनों दोस्तों एक ही है मॉर्निंग स्टार। और अगर इस तरीके से आपको बनता है मार्केट में तो आप इसको मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं और आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा उसके बाद में आपको बिग बेयरिश कैंडल स्टिक बनना चाहिए, यानी एक कैंडल स्टिक बनना चाहिए जो बेयरिश होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद जो कैंडल बनेगा, यानी छोटा कैंडल होना चाहिए, एक बॉडी छोटा होना चाहिए और ये कैंडल भी छोटी होनी चाहिए। चाहे दोस्तों ये बुलिश रहेगा चाहे बेयरिश रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल बेयरिश होना चाहिए और ये थर्ड कैंडल बुलिश होना चाहिए, ये दोस्तों बहुत ही कंपलसरी है। लेकिन ये जो दूसरी कैंडल है दोस्तों, ये हमेशा आपको बुलिश रहेगा तो चलेगा, बेयरिश रहेगा तब भी चलेगा दोस्तों। चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश है और यहाँ पर बेयरिश है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। मार्केट कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा और आपको बेयरिश कैंडल बनता हुआ देखने को मिले, उसके बाद में आप छोटी कैंडल देख सकते हैं इस तरीके के आपको बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। फिर दोस्तों जब तीसरी कैंडल बन जाए तो ये लगभग 70% फर्स्ट कैंडल से तीसरी कैंडल 70% ऊपर जाके इसकी बॉडी क्लोज होना चाहिए, तब दोस्तों इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलेंगे और इस पर दोस्तों हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपको यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों ऐसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि मार्केट में जब यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना हुआ है हैमर की टाइप, यहाँ पे इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% इसका ब्रेक होने के बाद, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ बने अगर मार्केट में बनेगा तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से मार्केट में काम करता है, सेम वही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है गैप डाउन और गैप अप। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है, अगर इस तरीके का चार्ट आपको देखने को कब मिलेगा, जब अपने चार्ट को आप डेली चार्ट में देखेंगे तो इस तरीके का आपका वहाँ पे कैंडल बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक कैंडल एक दिन का है, इसकी वजह से दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरीके से एक दिन कैंडल बनेगा। जब दूसरे दिन जो कैंडल बनता है दोस्तों, ये देख सकते हैं गैप डाउन, यानी कि मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे ये छोटा सा कैंडल बनाया हुआ है, उसके जब तीसरे दिन बाद मार्केट ओपन होता है तो गैप अप ओपन होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब ये गैप अप ओपन होता है उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसके 70 यानी कि इसका 60 से 70% के ऊपर जब मार्केट इसकी बॉडी क्लोज होगी, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पे दोस्तों अपना बाई कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों अपना ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे। दोस्तों चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके से इसको ट्रेड करना रहेगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में और आएगा। दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पे है। उसके बाद में जब बेयरिश कैंडल के जस्ट बाद आपको एक आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी कैंडल बना हुआ है। इस छोटी कैंडल के बाद दोस्तों जब आपको ये ग्रीन कैंडल तीसरी ग्रीन कैंडल बनेगा तब दोस्तों यहाँ पर आप इसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर तभी ट्रेड लेंगे, इसके पहले आप ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद बेयरिश कैंडल बनना चाहिए, बेयरिश कैंडल के बाद एक गैप डाउन ओपन होना चाहिए। गैप डाउन अगर ओपन होता है उसके जस्ट बाद एक स्मॉल गैप डाउन ओपन होने के बाद जो दोस्तों वो जो कैंडल है स्मॉल बुलिश कैंडल होना चाहिए, या तो बेयरिश कैंडल रहेगा तब भी चलेगा, बुलिश कैंडल रहेगा तब भी चलेगा, यानी तीसरी कैंडल ये यानी ये जो दूसरी कैंडल है ये बुलिश रहेगा तब भी ठीक है, बेयरिश रहेगा तो भी ठीक है। और उसके जस्ट बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जब तीसरी कैंडल बनेगी तो यानी गैप अप ओपन होना चाहिए। आप डेली चार्ट में देख रहे हैं तो उसके जस्ट बाद यानी तीसरी कैंडल जब मार्केट गैप अप ओपन होगा एक बुलिश कैंडल बना देगा। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाएगा यानी कि इसके 60 से 70% के ऊपर जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस आप रखेंगे इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन
ट्रेंड से मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में बदल गया है, इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बुलिस मॉर्निंग स्टार डोजी, ये भी दोस्तों मार्केट में बनता है सेम उसी तरीके से, ये भी वर्क करता है जैसे आपको मॉर्निंग स्टार काम करता है उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। इसमें दोस्तों क्या है कि मॉर्निंग स्टार डोजी में इसमें एक डोजी कैंडल बन जाता है, जहाँ पे एक कैंडल बुलिस और बेरिस कैंडल होता है दोस्तों, ये यहाँ पे डोजी कैंडल बन जाता है। अब डोजी कैंडल दोस्तों ना ही बुलिस रहता है ना ही बेरिस रहता है, ब्लैक ब्लैक रहता है दोस्तों। दोस्तों हम लोग इसको मॉर्निंग स्टार डोजी कंसिडर करते हैं। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा, मार्केट में जब भी डाउन ट्रेंड रहेगा दोस्तों, आपको एक बेरिस कैंडल यानी बिग बेरिस कैंडल बनेगी, उसके जस्ट बाद एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ देखने को मिले मार्केट में, उसकी जो तीसरी कैंडल है बुलिस होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का 60 से 70% के ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। अब दोस्तों इसको देख सकते हैं जैसे इसका हाई ब्रेक करा यहाँ करेगा, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं चार्ट पर कैसे ये बनता है। दोस्तों चार्ट में मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न इस तरीके से आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डोजी कैंडल बनता हुआ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ये डोजी कैंडल दोस्तों कलरलेस होता है, ना ही ये बुलिश रहता है ना ही बेरिश रहता है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, देख सकते हैं मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगा, ये बेरिश कैंडल के बाद जब ये डोजी कैंडल बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके तीसरी कैंडल जो है, ये तीसरी कैंडल बुलिश कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका 60 से 70% के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड जो है यहाँ से बदल चुका है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग स्टार डोजी कैंडल मार्केट में बनता है, इस तरीके से हमें ट्रेड करना रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।